अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह का हौसला देख तालिबान के पसीने छूट रहे हैं। अमरुल्ला सालेह ने जहां पहले ट्वीट कर तालिबानियों को परेशान कर दिया था, अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अमरुल्ला सालेह वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। अमरुल्ला सालेह के साथ कई अफगानिस्तान के युवा भी हैं जो खेल रहे हैं। वॉलीबॉल खेलने की तस्वीरें आई हैं पंजशीर घाटी से। पंजशीर वो जगह है जहां तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है, जहां अफगान के उपराष्ट्रपति के साथ कई अफगानी सैनिक भी हैं। आपको बता दें कि वॉलीबॉल खेल रहे सालेह तालिबानी लड़ाकों से निपटने के लिए पंजशीर प्रांत में फौज तैयार किए हुए हैं। यहां उनके साथ पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद भी मौजूद हैं और यहां से लगातार तालिबान के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। सालेह का यह वीडियो सोमवार को आया, जिसमें वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। वो स्थानीय बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलते दिख रहे हैं। इस वीडियो को पंजशीर प्रोविनेंस ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में सालेह के आसपास खेलते बच्चों के अलावा उनकी सिक्योरिटी में तैनात जवान भी दिखाई दे रहे हैं। अपडेट की बात कर लें तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा जमाने के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं। सिर्फ पंजशीर प्रांत को छोड़कर बाकी अन्य प्रांतों पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा हो गया है। 15 अगस्त को राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए थे। उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह अब भी तालिबान से लोहा ले रहे हैं और पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गनी के देश से भागने के बाद सालेह ने संविधान के अनुसार खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। हालांकि कई दिनों तक सालेह सामने नहीं आए और पर्दे के पीछे रहकर ही तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ रणनीति बनाते रहे। तालिबान के सामने पंजशीर की अफगान सेना हार मानने को तैयार नहीं है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं और अब सालेह के फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं, जिनमें वो वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर तालिबान को मानो एक बड़ी चुनौती दे रही हो कि बेशक दुनिया तालिबान का खुलकर विरोध ना कर रही हो, पर वो और उनकी टीम लड़कर तालिबान को हराने के लिए तैयार है।